हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए परिश्रम बैच को शुरू किया हुआ है। उस परिश्रम बैच में मैंने जीएस में ज्योग्राफी को शुरू किया है। ज्योग्राफी में मैंने आपके जो भी सिलेबस के अनुसार टॉपिक हैं उन टॉपिकों में कई सारे टॉपिकों को कवर कर लिया है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछली वीडियो में जो जलवायु और मौसम का टॉपिक है उसको कवर किया था, लेकिन जो उसमें मानसून का टॉपिक है आज हम उसको कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सबसे पहले आप उसको जाके देखिए, क्योंकि आपको तभी पूरी एक सीरीज का पता लगेगा कि क्या जलवायु होती है, क्या आपका मौसम होता है, इनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो उसी सीरीज को आगे करते हुए आज जो पढ़ने वाले हैं हम मानसून पढ़ने वाले हैं। और मानसून में जितनी भी चीजें होती हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में हम उन सभी को पढ़ेंगे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक हमारा टॉपिक आता है मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो भी आपके टॉपिक में दिया हुआ है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपका टॉपिक मानसून। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहां एक चीज बता दूं, मानसून, सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आपको दिखाई दे रहा है नहीं, तो यहां पर हम क्या लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, क्योंकि रेड पेन यहां पे आपको दिखाई देगा बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, ये जो आपका मानसून है, मानसून से सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि मानसून की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या आती है कि मानसून कितने प्रकार का होता है। तत्पश्चात हम बात करेंगे कि मानसून की भारत में जो प्रवेश होता है वो कैसे होता है। अगर मैं बात करूं मानसून शब्द की बात करूं, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये जो मानसून शब्द है, इस मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है, वो मोसिन शब्द से हुई है। किससे हुई है जी? मोसिन शब्द से हुई है। अब ये जो मानसून की जो उत्पत्ति का सिद्धांत है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको फिर भी इसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे मानसून की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले मैं मानसून की उत्पत्ति में कई सारे कारक होते हैं, उन कारकों को एक बार पढ़ लेते हैं कि वो कारक हैं क्या क्या। भाई आपको कारक तो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले उत्पत्ति में जो कारक आता है वो आता है आपका तापीय सिद्धांत, यानी जो मानसून की जो उत्पत्ति होगी उसमें जो पहला सिद्धांत आता है वो क्या आता है आपका, तापीय सिद्धांत। अगर मैं सेकंड बात करूं, एक आता है आपका ITCZ, इसका मतलब क्या होता है इसको हम एक बार समझेंगे, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी ये क्या चीज होती है इसको भी पढ़ेंगे। ये क्या हुई हमारी, यानी सेकंड चीज क्या है हमारी, ये ITCZ। और अगर मैं यहां पर थर्ड की बात करूं, तो थर्ड पर क्या आ जाता है हमारा, यानी जेट स्ट्रीम। सबसे पहले हल्का हल्का हम इन तीनों को भी समझेंगे कि ये जो तीनों चीजें हैं इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे कैसे पड़ता है। उसके बाद क्या चलेंगे हम, इसकी भारत में जो प्रवेश होगा वो कैसे होगा, और मानसून कितने प्रकार का होता है उसको भी हम समझेंगे। अगर मैं तापीय सिद्धांत की बात करूं, देखो तापीय सिद्धांत का मतलब होता है सीधा सीधा ताप से। अब ताप से क्या मतलब होता है कि मानसून का मतलब ये होता है कि ये जो ताप है ना, ताप से ही किस पर बात आती है, यानी ताप से क्या बात आती है, दाब से आती है। और ताप और दाब से ही किन का उद्गम होता है भैया, पवनों का उद्गम होता है। और इन पवनों के द्वारा ही मानसून क्या होता है, भारत में प्रवेश करता है और भारत से निकलता है। जैसे एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, यानी जैसे मान लिए ये अपने ग्लोब की स्थिति है, इस ग्लोब में यहां पर हमारे सूर्य देव हैं। अब सूर्य देव की जैसे किरणें बीचों बीच यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो यहां पर ताप कैसा होगा,
कम होगा, सॉरी यहां पर ताप कैसा होगा, वो ज्यादा होगा। भाई जब सूर्य किरणें सीधी सीधी यहां पर लंबवत पड़ेंगी तो यहां पर कैसा होगा भाई, ताप ज्यादा होगा। लेकिन यहां एक चीज है, जैसे ही यहां ताप ज्यादा होगा, यानी ताप कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो यहां ऑटोमेटिकली दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, यानी जो ताप है और आपका ये दाब है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ये व्यक्तृमानुपाती होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी अगर अगर किसी चीज में ताप बढ़ता है तो वहां क्या हो जाता है, दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। अब जैसे अब ये फिर पवने क्या क्या हैं, अब देखो जो पवनों की उत्पत्ति होती है वो दो कारणों से होती है। कैसे कैसे होती है, जैसे मान लो कोई दाब, जब दाब होगा तो ये दाब दो प्रकार के प्रेशर क्रिएट करेगा, एक आपका लो प्रेशर क्रिएट करेगा और एक आपका हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। अब जो हमारी पवने होती हैं हमेशा वो कहां से कहां तक जाती हैं, यानी हाई प्रेशर से कहां जाती हैं, लो प्रेशर की तरफ जाती है। भाई आपने नोटिस करा है ना, मान लो कोई भी आपकी, ये आपको एच दिखाई दे रहा है, यानी ये जो आपका हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से हमेशा पवन कहां जाती है, लो प्रेशर की तरफ, यानी जो पवनों की उत्पत्ति होती है वो इसी दाब के सिद्धांत पर होती है। अब इन यानी यहां से किसकी उत्पत्ति हुई भैया, पवनों की उत्पत्ति हुई, और पवनों की उत्पत्ति से किसकी उत्पत्ति हुई, मानसून की उत्पत्ति हुई। भैया मानसून सीधी सीधी एक हवाएं तो हैं, लेकिन इनके हवाओं के बदलने पर जो यानी मानसून आता है वो कुछ जल वाष्प लेकर आता है, यानी जब पवने हमारी गर्म होती हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता है, आर्द्रता ग्रहण कर लेता है, और जैसे ही वो किसी यानी पहाड़ियों से या किसी पर्वत से टकराता है तो क्या करता है, वो घनघोर बारिश करता है। मानसून यही तो है, मानसून में ऐसा नहीं है कि मानसून आया तो बरसात होगी, नहीं, मानसून के साथ साथ कई सारे कारक भी होते हैं। जैसे अब आगे चलें, हमने तापीय सिद्धांत को समझ लिया, यानी तापीय सिद्धांत का मतलब क्या होता है, ताप से, और जहां ताप ज्यादा होता है वहां क्या होता है भैया, दाब कम होता है, सीधी बात यह है। और दाब से किसकी उत्पत्ति होती है भैया, पवन की उत्पत्ति होती है, हमने इस बात को समझ लिया। क्योंकि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वहां उन सबको कवर करता चलूंगा। सेकंड आता है हमारा ITCZ। अब ये ITCZ होता क्या है, ITCZ का मतलब होता है कि जब सूर्य की किरणें यहां होती हैं तो आपके इधर यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी आपका 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की अगर मैं बात करूं तो इधर हमारी कौन सी पवने चलती हैं, ये वर्ष भर हमारी कौन सी पवने चलती रहती हैं भैया, ट्रेड पवने चलती रहती हैं। कौन सी पवने चलती हैं, ट्रेड। ये ट्रेड पवने किसी व्यापार से संबंधित नहीं है, लेकिन भारत वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या धर दिया गया है भैया, व्यापारिक पवने कर दिया है। कौन सा, व्यापारिक पवने। अब व्यापारिक पवने जो हैं इनकी दिशा हमेशा कैसी होती है, पूर्वा होती है। अब पूर्वा, एक बात ये समझिए, चाहे आपकी कोई सी भी दिशा से हवा आती है, यानी जिस दिशा से हवा आएंगी उसी दिशा को क्या नाम दे दिया जाता है, हवा का नाम दे दिया जाता है। यानी अगर हवा इधर से चली तो पूर्वा, अगर हवा इधर से चली तो पछुआ। ये बात आप समझ लेना, आपके यानी जहां से जो कोई भी हवा चलेगी उसको उसी दिशा का नाम दे दिया जाता है। अब आगे चलते हैं, यानी जब ये हवाएं ऐसे चलती हैं वर्ष भर चलती रहती, इनको किस नाम से जाना जाता है, ट्रेड पवने, या किस नाम से जाना जाता है, व्यापारिक पवने। अब अगली बात, जब सूर्य की किरणें यहां पर पड़ती हैं बीचों बीच, यानी इसके लंबवत पड़ती हैं, किस पर लंबवत पड़ती हैं, ये जो हमारी भूमध्य या विषुवत रेखा है, आप समझ पा रहे हो, जब जैसे ही यहां ये चलती हैं तो यहां पर दाब कैसा हो जाता है, अभी हमने बात करी थी जहां ताप ज्यादा वहां दाब कम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। जैसे ही दाब कम होगा तो ये जो वायु की दिशा है वो कैसे हो जाएगी, यानी बीच की तरफ हो जाएगी, यानी ये कहां घूम जाएंगी, विषुवत रेखा की तरफ ये घूम जाएंगी। कहां घूम जाएंगी भैया, विषुवत रेखा की तरफ घूम जाएंगी। चलो जी, विषुवत रेखा की तरफ जैसे ही घूमी
अब जब ये विषुवत रेखा की तरफ घूम जाएंगी तो एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि ऊपर से हवा नीचे की तरफ आएंगी और नीचे से हवा ऊपर की तरफ आएंगी। अब ये जो बीच वाला जोन है यानी जो बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में दोनों हवाएं आकर क्या है रुक जाएंगी। यानी मान लो इधर से कोई आदमी भक्के आ रहा है और इधर से कोई आदमी भक्के आ रहा है तो वो एकदम टकराने से पहले क्या हो जाएंगे धीमा हो जाएंगे और जैसे ही धीमा होंगे वहां पर दोनों क्या हो जाएंगे शांत हो जाएंगे। और यही सिद्धांत कहां लागू हो जाएगा आपका यहां लागू हो जाएगा। जैसे अब ये वाला जो क्षेत्र है ना इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे डोल ड्रम का क्षेत्र। डोल ड्रम का मतलब है डोला हुआ यानी दोनों तरफ से डोल गया है। और इसको अगर हिंदी में कहूं तो मैं कैसा क्षेत्र हो जाएगा भैया शांत क्षेत्र हो जाएगा। और इस शांत क्षेत्र की स्थिति को ही यानी जो बीच वाला है ये ITCZ के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी बात समझ पाइए ITCZ। अब इसको इंटर ट्रॉपिकल, इंटर का मतलब है दोनों के बीच का, ट्रॉपिकल मतलब होता है ऊर्ष, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी इसका मतलब क्या हो गया ऊर्ष कटिबंधीय यानी अंतर ऊर्ष कटिबंधीय जोन है ये है। और यहीं से क्या होता है मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अब जैसे सूर्य की किरणें यहां हैं, सूर्य की किरणें वर्ष में यहां दो बार पड़ती हैं। कब कब पड़ती हैं भैया, एक पड़ती हैं भैया मार्च में और एक पड़ती हैं आपकी सितंबर में। आप समझ पा रहे हो यानी ये दो तिथि हैं। अगर मैं बात करूं 21 मार्च को पड़ती हैं और 23 सितंबर को पड़ती हैं। लेकिन उसके बाद सूर्य किरणें ऊपर भी तो जाती हैं, कहां जाती हैं कर्क रेखा की तरफ भी पड़ती हैं लंबवत, और नीचे कहां पड़ती हैं मकर रेखा की तरफ पड़ती हैं। यानी जैसे ऊपर में 23.5 डिग्री कहां है ये 23.5 डिग्री यानी नॉर्थ में, और इसको किस नाम से जाना जाता है कर्क के नाम से जाना जाता है। इसे नीचे किस नाम से जाना जाता है 23.5 डिग्री पर यानी मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी बात यानी जैसे जैसे यानी अब का क्या है यानी 21 मार्च को सूर्य कहां है यहां है, लेकिन 21 मार्च से हमारा सूर्य क्या होने लगेगा उत्तरायण होने लगेगा यानी उत्तर की दिशा में चलेगा। जैसे उत्तर की दिशा में चलेगा ये धीरे धीरे खिसकेगा तो क्या होगा यानी मार्च उसके बाद ये अप्रैल और उसके बाद ये मई और ये आ गया यहां पर जून। यानी अब इस वाली स्थिति में यानी यहां क्या पड़ेगा ये लंबवत पड़ेगा किस में जून में। और जून में भी अगर बात करें तो किसको 21 जून को पड़ेगा। अब भैया जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा 21 जून को तब ये जो हमारा ITCZ है ना ये यहां से खिसककर कहां पहुंच जाएगा ये भैया धीरे धीरे ऊपर खिसकता रहेगा। मतलब समझ पा रहे हो यानी जैसे जैसे ताप ऊपर की तरफ जाएगा तो दाब भी ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही ताप ऊपर जाएगा तो ये ITCZ कहां की तरफ चलेगा ऊपर की तरफ चलेगा। अब ये ऊपर चला जाएगा उसके बाद क्या होगा जून के बाद फिर क्या आएगा जुलाई अगस्त और सितंबर, फिर नीचे आ गया ये। उधर क्या हो जाएगा ऊपर शीत क्षेत्र हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका यानी गर्मी का क्षेत्र। अब क्या होगा रेखा यानी यहां पर फिर सितंबर में आ जाएगी, फिर आपका अक्टूबर नवंबर और नीचे क्या आ जाएगा यहां दिसंबर। अब इस वाली स्थिति में यानी कौन सी 22 दिसंबर को यहां होगी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और ऊपर क्या होगी ठंडी। बात समझ पा रहे हो। अब हमारा ये भी हो गया यानी ये भी पॉइंट हो गया। अब चलते हैं आगे। अब जब आगे चलेंगे तो एक है ये आपका जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या है इसको यही समझ लेते हैं। यानी जो हमारी धरातल है, धरातल का मतलब होता है जो धरातलीय स्थिति जिसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, उसके अनुसार यानी इससे लगभग 10 से 12 किलोमीटर यानी 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या चलती है हमारी यानी जेट स्ट्रीम चलती हैं। क्या चलती है जी जेट स्ट्रीम। अब ये जेट स्ट्रीम होता क्या है यानी जो पवनों का वेग है ना वो पवनों का वेग तेज होता है अधिक होता है, और ये पवने कई बार जो जेट होता है ना जेट का मतलब होता है एक प्रकार का वायुयान उसको भी प्रभावित कर देती हैं। और कितनी ऊंचाई पर चलती हैं लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। और ये किस दिशा में चलती हैं यानी पछुआ चलती है यानी पश्चिम से कहां की तरफ
तरफ चलती हैं भैया, यानी पूरब की तरफ चलती हैं। अब जब ये पश्चिम से पूरब की तरफ चलती हैं ऐसे, तो ये क्या करती हैं, हमारे मानसून को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं। और इसीलिए ये क्या करते हैं, मानसून की उत्पत्ति में तीनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। किसके लिए, मानसून के लिए। बात समझ पा रहे हो, ये इस प्रकार से मानसून की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब चलते हैं जी आगे अगली स्लाइड में। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि जो मानसून है, उस मानसून की जो उत्पत्ति हमने समझ ली, अब क्या करेंगे, यानी जो मानसून के प्रकार हैं, यानी मानसून के प्रकार। अब ये मानसून कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप ऑफ मानसून, यानी कितने टाइप का होता है मानसून। तो भैया अगर मैं बात करूं, मानसून भारत में मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है भैया आपका ग्रीष्मकालीन मानसून, क्या होता है जी आपका, एक होता है ग्रीष्मकालीन मानसून, और दूसरा होता है भैया आपका शीतकालीन मानसून। कौन सा होता है जी, शीतकालीन मानसून। चलो जी बात सही है, ये शीतकालीन मानसून हो गया। अब आगे, यानी अब ग्रीष्मकालीन मानसून में भी दो शाखाएं हो जाएंगी और शीतकालीन मानसून में भी दो शाखाएं हो जाएंगी। जैसे इनको समझेंगे पहले, अब ग्रीष्मकालीन जो हमारी ऋतु होती है वो कब से शुरू हो जाती है भैया, 21 मार्च के बाद जब भी सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो क्या हो जाती है, हमारी ग्रीष्मकालीन ऋतु शुरू हो जाती है। यानी ये किस पे के आधार पर है, यानी ये आपका ग्रीष्म ऋतु के अनुसार है और ये आपका शीत ऋतु के अनुसार है। अब ये जो आपकी दो ऋतु हैं, इस ग्रीष्म ऋतु की दो उपशाखा हैं, एक तो क्या है आपकी ग्रीष्म है और एक क्या है आपकी वर्षा है। और इसकी बात करूं तो इसमें शीत में एक क्या है भैया आपकी शीत है और दूसरी क्या है आपकी शरद है। यानी मतलब समझ पा रहे हो, इसको ग्रीष्मकालीन मानसून को ग्रीष्म ऋतु का मानसून कहा जाता है और शीत ऋतु का मानसून को शीत ऋतु वाला मानसून कहा जाता है। इसमें ऋतुएं एक शीत होती है और एक क्या होती है, शरद होती है। अब इसको देखो, यानी ग्रीष्मकालीन का जो मानसून है ये दो भागों में कैसे है, एक होता है भैया पूर्वा मानसून। पूर्वा मानसून अब ये क्या है, यानी एक ऐसा मानसून है जो मानसून से पहले आता है, वो एक्चुअल का मानसून नहीं है लेकिन क्या है, मानसून की तरह है, वो भी वर्षा करता है लेकिन पूरे वर्षा के, यानी ये जो 100% वर्षा होती है ना भारत में, उसका कितने प्रतिशत वर्षा करता है भैया, 10% वर्षा करता है। दूसरी बात, अब दूसरा क्या होता है जी, मानसून। ये मानसून कौन सा होता है, यानी जो आपका वर्षा करता है, और वर्षा यानी मानसूनी, यानी मानसून कौन सा वाला है, ये भैया वर्षा वाला है। और ये लगभग कितने प्रतिशत वर्षा करता है भैया, 75% क्या करता है, वर्षा करता है। यानी अब हम कहां तक पहुंच गए हैं, अब ये पूर्व मानसून कौन सा है और ये मानसूनी वर्षा। अब ये पूर्व मानसून की अगर मैं तिथि की बात करूं तो कब से शुरू हो जाता है, यानी जैसे ही हमारे सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, कब के बाद, यानी 21 मार्च के बाद। यानी समझ पा रहे हो बात, यानी 21 मार्च के बाद ये पूर्व मानसून शुरू हो जाता है और कब तक रहता है भैया, यानी जून से पहले पहले रहता है, यानी मार्च अप्रैल और मई, यानी ये जो तीन है ना, यानी कितने महीने में, यानी आपका एक मार्च, एक अप्रैल, यानी मार्च मार्च अप्रैल और आपका तीसरा मई, यानी इन तीन महीनों में जो हमारा मानसून होता है उसको कौन सा मानसून कहते हैं भैया, पूर्वा मानसून। ये कई जगह क्या होता है आपका, लाभदायक होता है, इसको भी हम समझेंगे। दूसरा मैं बात करूं, ये मानसून है, यानी कौन सा मानसून है, जो वर्षा वाला है। ये भारत में प्रवेश जो करता है, वैसे तो मुख्य भूमि में जो प्रवेश करता है वो करता है जून के प्रथम सप्ताह में, जून के
प्रथम सप्ताह में, लेकिन भारत के अंडमान निकोबार में कब से प्रवेश हो जाता है? ये मई में। लेकिन मई में कहां होता है? आपका अंडमान और निकोबार में। लेकिन जून के प्रथम सप्ताह में कहां आता है भैया? ये केरल के तट पर आता है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा जी, ये दोनों समझ लिए हमने। अब ये शीत ऋतु का मानसून कौन सा है भैया? ये शीत ऋतु का मानसून, ये हमारी दो ऋतु होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी शीत होती है, एक होती है आपकी शरद। अच्छा जी, अब कहां पहुंच गए हैं जी हम? यानी यहां तक पहुंच गए हैं जून। अब ये मानसून कब तक रहेगा भारत में? यानी ग्रीष्म कालीन वाला ये रहेगा भैया आपका जून और जुलाई, जून जुलाई और आपका अगस्त। यानी जून जुलाई और अगस्त तीन महीने भारत में जो रहेगा, कौन सा रहेगा? जो मानसूनी वर्षा करेगा भारत में। और ये कितने परसेंट करेगा भैया? 75%, जबकि पूर्व मानसून कितने करेगा? 10% करेगा। अब आगे चलते हैं। जब हम आगे चलेंगे तब इस प्रकार से आप देखो ऐसे, हालांकि हम आगे मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं चीजें। यानी ये जो मानसून है, ये मानसून इस प्रकार से भारत में प्रवेश करेगा, इस प्रकार से। बात समझ पा रहे हो? यानी इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं भैया? दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी हम इसके प्रवेश की बात बाद में करेंगे, अभी मैं इसके प्रकार बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे जब आगे जाएंगे तो हमारा यहां जून जुलाई अगस्त में क्या होगा? ये पूरे, यानी वैसे तो मोस्टली जुलाई तक ये पूरे भारत में क्या है? फैल जाता है। यानी पूरी जुलाई तक में क्या होता है? ये फैल जाता है, लेकिन अगस्त तक ये यही रुकता है। लेकिन अगस्त के बाद क्या होता है? यानी सितंबर के बाद, यानी सितंबर के बाद क्या होता है? ये पुनः लौटना शुरू कर देता है। कब शुरू कर देता है जी? सितंबर को। जिसको कौन सा मानसून कहते हैं सितंबर वाले को? यानी निवर्तन, निवर्तन मानसून या लौटता हुआ मानसून, निवर्तन मानसून या लौटता हुआ मानसून। अब ये लौटता हुआ मानसून है, यानी कब लौट जाएगा भैया? यानी जब ये लौटेगा तो यहां से ये ऐसे लौटेगा, ऐसे ऐसे। और कब से शुरू हो जाएगा भैया? सितंबर से। अब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी मिड दिसंबर तक क्या आ जाएगा? ये वापस आ जाएगा। अब शुरू कब से हो रहा है ये? यानी समझो बात यहां पर, जब ये लौटेगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मेरी बात समझ पा रहे हो? और लास्ट मध्य दिसंबर तक ये क्या है? वापस लौट जाएगा। जिसको क्या बोलेंगे हम? कौन सा वाला बोलेंगे भैया? यानी शीत वाला बोल देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर मैं बात करूं ये शरद ऋतु कब से कब तक की मानी जाती है, तो भैया सितंबर से लेकर कब तक की मानी जाती है आपकी? दिसंबर तक। सितंबर से लेकर दिसंबर तक। अब दिसंबर, 15 दिसंबर से और फरवरी माह तक, मार्च माह तक, वो कौन सी होती है? शीत ऋतु होती है। अब ये लौटता हुआ मानसून आ गया, यानी इसको कौन सा मानसून बोल देंगे हम? शरद वाला मानसून। अब आता है आपका एक शीत वाला मानसून, जिसको कौन सा मानसून बोलते हैं? जिसमें भारत में वर्षा जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस वाला मानसून। इसको भी क्या करेंगे हम? आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से भी परीक्षा में आपके में प्रश्न बनता है। अब आगे चलते हैं। यानी ये सारी चीजें हमने मानसून के प्रकार पढ़ लिए। अब मानसून के प्रकार के बाद हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है क्या? यानी भारत का मान, यानी मानसून का भारत में प्रवेश। अब आगे चलते हैं भैया, आगे है मानसून का, मानसून का मानसून का भारत में प्रवेश। अब ये क्या चीज है भाई? यानी मानसून का भारत में प्रवेश।
अब मानसून का जो भारत में प्रवेश होगा वो कैसे कैसे होगा, वो क्या क्या कारक होंगे, अब उन पर चलते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, यानी अपने भारत का क्या बना लेना है, हल्का सा नक्शा क्रिएट कर लेना है, जो आपके बस यहां से आप इतना कर लीजिए। अब क्या होगा, यानी ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया और ये क्या हो गया आपका हिमालय पर्वत, ये आपका क्या है भैया हिमालय पर्वत है। अब यहां से क्या क्या चीजें आपकी परीक्षा में बन सकती हैं, यानी ये जो मानसून है ना, इस मानसून का भारत में जो प्रवेश होगा वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्या बनाते हैं, पहले बनाते हैं भैया ग्लोब। अब देखो ये हमने बना लिया ग्लोब, अब इस ग्लोब में क्या करते हैं, सबसे पहले ये आपकी आपकी कौन सी है, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा, यानी ये आपकी कौन सी है भैया 23.5 पर कौन सी रेखा है भैया, कर्क रेखा है, ठीक है जी कर्क रेखा। ये 23.5 पर कौन सी रेखा है भैया, आपकी मकर रेखा है, ठीक है जी मकर रेखा होगी। अब मान लीजिए कि जो आपका सूर्य देव है, यानी जो हमारे सूर्य देव हैं, वो क्या करते, भाई पहले मैं ये जो भारत का है ना, भारत के नक्शे को मैं यहां से हटाकर कहां बनाऊंगा, यानी उधर बनाने की बनाऊंगा, क्योंकि यहां से आपका ये जो ग्लोब है, ये ग्लोब ही क्या हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। जैसे ठीक है जी, ये हमारा क्या हो जाता है भैया, यहां से ये आपका प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत में हमारा यहां पर क्या दिया गया है भैया, हिमालय पर्वत दिया गया है, ये यहां पर क्या हो जाता है ऐसे। अच्छा जी, अब सूर्य की किरणें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य किरणें सबसे पहले कहां पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, कब कब पड़ती हैं भैया, दो तिथि में पड़ती हैं, एक आपका 21 मार्च में पड़ती हैं और एक आपका 23 सितंबर में पड़ती हैं। अब अगली बात, जब जब मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था, यानी ताप और किसका सिद्धांत, दाब का, यानी मैंने आपको बताया था कि जब भी ताप कहीं पर ज्यादा होगा वहां पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये दाब क्या काम करेगा, ये दाब भैया किसको, किसका निर्माण करेगा, ITCZ का निर्माण करेगा, और किसका निर्माण करेगा, यानी पवनों की दिशा, पवनों की दिशा को, पवनों की दिशा को बदलने का काम करेगा, क्या काम करेगा, बदलने का काम करेगा। बात सही है जी, ये भी बात सही है, यानी पवनों की दिशा को बदलने का काम कौन करेगा, ITCZ करेगा। जैसे जब तक मैंने आपको यहां एक चीज बताई थी कि यहां पर कौन सी पवने होती हैं, यानी व्यापारिक पवने होती हैं, जिन पवनों का क्या नाम दिया गया है, यानी वैसे तो इनका नाम ट्रेड पवने हैं, ट्रेड पवने, लेकिन इनको किस नाम से जाना जाता है भैया, व्यापारिक पवनों के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी दिशा हमेशा कैसी होती है भैया, पूर्वा पवने होती हैं, पूर्वा पवने। अब ये जो पूर्वा पवने हैं, ये हमेशा पूरब से चलती हैं, और कितने डिग्री चलती हैं भैया, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। लेकिन जब ये चलती हैं, तो ये जब ITCZ का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि ताप यहां पर ज्यादा है तो दाब क्या हो जाएगा, कम, और ये बीच वाले स्थान पर क्या होगा, ये ITCZ का निर्माण हो जाएगा। अब ITCZ का जब निर्माण होगा तो क्या होगा, ये सूर्यदेव ऊपर की तरफ चलेंगे, भाई एक जगह स्थिर थोड़ी रहेंगे सूर्यदेव, किस जगह जाएंगे, उत्तरायण की तरफ चलेंगे। जब उत्तरायण की तरफ चलेंगे तो उत्तरायण की तरफ चलने पर क्या होगा, ये ITCZ भी कहां हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकता चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्यारा भारत है उसकी जो स्थिति है वो यहां है। अब ये जैसे मानो यहां
कौन सा था? मार्च था। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून। अब ये जून में कहां पहुंच जाएंगे? 21 जून में कहां पहुंच जाएंगे? यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ऊपर तक ना, यानी जैसे जैसे सूर्य देव ऊपर की तरफ चलेंगे, तब ITC जेड कहां चलता रहेगा? ऊपर की तरफ चलता रहेगा। और ये जो ITC जेड है ना, ये क्या काम कर देगा? आपके पवनों की दिशा को क्या कर देगा? बदलने का काम करेगा। कैसे करेगा? यानी अब ITC जेड यहां से खिसक कर कहां जाएगा भैया? यहां पहुंच जाएगा। ये आपका ITC जेड कहां से कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। अब क्या होगा? जब ये ITC जेड ऊपर पहुंच जाएगा तो पवनों की दिशा फिर ऐसे हो जाएगी, ये यानी ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब ये ऊपर वाली पवने ऐसे होंगी, ऐसे, क्योंकि ITC जेड कहां है? यहां है बीच में। लेकिन क्या होगा कि जब भी हमारी पवने, व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो अपने कहां मुड़ जाती हैं? यानी ये पॉइंट को नोट कर लें आप, इस पॉइंट को, कि जब भी पवने विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो जब भी पवने विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो वह अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। और ये किसने कही है? ये भैया फेरन महोदय ने कही है। किसने कही है? ये फेरन महोदय ने कही है। जब हम पवनों को पढ़ेंगे ना, पवनों को, तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे घूमती है। तो ये क्या होगा, यानी जब हम इधर जाएंगे तो हम ये वाली जो हमारी पवने हैं, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएंगी? ये इस तरफ की तरफ हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी। इनकी दिशा क्या हो जाएगी? दाहिने तरफ हो जाएगी। जब दाहिने तरफ हो जाएगी, अब तुम कहोगे जी ऐसे तो हो गई, यानी ये ऐसे तो हो गई, ये ऐसे, लेकिन अब ऐसे है, लेकिन मानसून क्या काम करेगा? ये तो ऐसे चला जाएगा, यानी बंगाल की खाड़ी होते हुए म्यांमार और अन्य देशों में चला जाएगा, इंडोनेशिया देशों में। वो भारत में कैसे प्रवेश करेगा? तो भैया भारत में प्रवेश करेगा ITC जेड के कारण। अब ITC जेड के कारण कैसे करेगा? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी ये हमारा ITC जेड जिधर जिधर घूमेगा, तो उधर क्या होगा हमारा भाई? क्या होगा? यानी उधर ही हमारी जो है पवनों की दिशा क्या हो जाएगी? घूम जाएगी। कैसे भैया? जैसे ऐसे समझो, जैसे जब हमारा ITC जेड यानी विषुवत रेखा की तरफ था, यानी जब महासागर में था, तो इसकी जो रेखा थी वो कैसे थी? सीधी थी। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो हमारा जल होता है वो देर से ही क्या होता है? गर्म होता है, और देर से ही क्या होता है? ठंडा होता है। जबकि जो हमारी यानी स्थलीय भूमि होती है वो क्या होती है? आपकी बहुत जल्दी क्या हो जाती है? गर्म भी हो जाती है, और क्या हो जाती है? ठंडी भी हो जाती है। क्योंकि जो जल होता है उस पर सूर्य का प्रभाव कैसे पड़ता है भैया? धीरे धीरे पड़ता है। जबकि जो हमारी महासागर रहता है उस पर धीरे धीरे पड़ता है, जबकि भूमि पर क्या पड़ता है? एकदम पड़ता है। जैसे इस पर जो हमारी ITC जेड होगा वो ऐसे होगा, लेकिन जैसे ही वो स्थल में प्रवेश करेगा तो हमारा ITC जेड की आकृति ऐसे हो जाएगी। और जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, तो इसमें सबसे ज्यादा यानी ITC जेड किधर की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। यानी सूर्य आगे आगे रहेगा और ITC जेड उसके क्या रहेगा? पीछे पीछे। यानी आगे आगे क्या रहेगा? सूर्य की लंबवत किरणें रहेंगी और पीछे पीछे उनके क्या रहेगा? ITC जेड। जैसे
यहां जैसे ही हम पहुंचेंगे तो इनकी आकृति फिर ऐसे हो जाएगी, यानी जो हमारा प्रेशर है लो प्रेशर कहां जनरेट होगा, यहां पर। कारण क्या है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा, और जब लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो ये ऐसे 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 ये स्थिति होगी, और यहां पर क्या होगा आपका हाई प्रेशर होगा, और यहां पर क्या होगा आपका यानी लो प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा भैया, लो प्रेशर होगा। तब हमारी पवनों की दिशा जो ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, तब उनकी दिशा कैसे हो जाएगी भैया, खिंच के ऐसे हो जाएगी। क्योंकि हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी कि हमेशा जो पवने हैं वो कैसी होंगी भैया, यानी हाई प्रेशर से किधर की तरफ चलेंगी, लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। अब हमारी पवने पहले चल रही थी ऐसे, अब वो किसकी तरफ घूम गई हैं, लो प्रेशर की तरफ घूम गई हैं। अब मानसून ने क्या कर दिया है, भारत में प्रवेश कर दिया है। बात समझ पा रहे हो, यानी भारत में मानसून का क्या हो चुका है, प्रवेश हो चुका है। अब प्रवेश तो हो गया, प्रवेश कब होगा, अब हम चलते हैं आगे, यानी नेक्स्ट चलते हैं। जब प्रवेश भारत का हो जाएगा, सबसे पहले कहां प्रवेश होगा भारत में, पहले उसको चलते हैं। फिर एक आपका वही अब देखो, यानी यहां पर आपका ये हमारा क्या बन गया भैया, प्यारा भारत बन गया। अब इस प्यारे भारत में सबसे पहले यहां एक चीज समझना, ये क्या है हमारा अंडमान, और ये है हमारा निकोबार। अब जब मानसून भारत में प्रवेश करेगा तो इसकी जो आकृति बनेगी वो किससे बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। किस प्रकार से बनेगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी। समझ पा रहे हो, इस प्रकार से बनेगी। यानी जब मानसून प्रवेश करेगा तो इस वाले पॉइंट पर क्या करेगा भाई, क्योंकि ये नीचे है, नीचे यानी कितने पर है, 6 डिग्री पर है, 6.4 डिग्री पर है। तो यहां कब प्रवेश करेगा आपके, मई माह में करेगा। लेकिन यहां जो प्रवेश करेगा केरल के, यानी केरल का कौन सा तट है भैया, ये मालाबार तट है। कौन सा तट है भैया, केरल का मालाबार तट है। अब केरल के मालाबार तट में जब प्रवेश करेगा तो कब करेगा भैया, यानी जून के, कब करेगा भैया, ये जून के प्रथम सप्ताह में करेगा। कब करेगा भैया, प्रथम सप्ताह में करेगा। बात समझ पा रहे हो, यानी जून के प्रथम सप्ताह में कहां प्रवेश कर जाएगा भैया, ये यानी केरल के मालाबार तट पे कर जाएगा। और यहां जून, जून के बाद यहां यहां तक क्या पहुंच जाएगा आपका, जून में पहुंच जाएगा। लेकिन यहां जैसे ही ये होगा आपका जुलाई में, यानी जुलाई में क्या होगा आपके यहां, और ये पवनों की दिशा समझ पा रहे हो ना, ऐसे घूम जाएगी। कैसे घूम जाएगी, ऐसे ऐसे। लेकिन यहां पर ये अरावली की पर्वत की पहाड़ियां हैं, ध्यान रख लेना। अब कहां घूम जाएगा, यहां ऐसे। अब ये है आपकी इधर अरब सागर, इधर क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी। बात समझ पा रहे हो, ये आपकी अरब सागर और ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। अब मैंने कहा था कि यहां पर हमारा क्या है, बिल्कुल यानी लो प्रेशर है, और यहां पर नीचे क्या था हमारा, हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से जो पवनों की दिशा है वो कहां खींचेगी, यहां खींचेगी। तो भारत में जो वर्षा शुरू हो जाएगी केरल के तट के मालाबार से, वो कब हो जाएगी, जून तक हो जाएगी। और जून और यहां आपके जुलाई माह तक क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में मानसून का प्रवेश हो जाएगा, और क्या करेगा, पूरे भारत में क्या होगी, अब वर्षा होगी। अब वर्षा क्यों होगी, कारण उसका क्या होगा,
क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन का मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून है, तो ये हवाएं कैसी होती हैं, शुष्क होती हैं, तो अपने साथ क्या करती हैं, ये जल वाष्प को अधिकतम ग्रहण कर लेती हैं। भाई ये जो पॉइंट है ये कैसा पॉइंट है आपका, अरब सागर है, तो जब अरब सागर में ये जब ऊपर से जाएंगी तो किसको कर लेंगी कंप्लीट, यानी जल वाष्प को ग्रहण कर लेंगी। और ये जो पश्चिमी घाट है आपका, ये कौन सा वाला, यानी ये जो आपका है ना पश्चिमी घाट, ये वाला, इस पश्चिमी घाट पर क्या करेंगी, ये वर्षा करेंगी घनघोर। और ये जो घाट है, ये घाट का मतलब क्या है, इनसे मानसून क्या हो जाएगा, भीतर प्रवेश कर जाएगा और यहां पर क्या होगी, घनघोर वर्षा होगी। एक तो आपके पश्चिम घाट पर और एक आपका ये जो आपका पड़ता है, कौन सा पड़ता है यहां, यानी मेघालय का पठार, और मेघालय के पठार यहां पर जो पड़ता है इस पर क्या पड़ती है, गारो खासी और जयंतिया, इन तीन पहाड़ियों पर क्या होगी, घनघोर वर्षा होगी। और इन पर वर्षा होने का कारण क्या है, क्योंकि जो पठार है उसकी आकृति ऐसे है, तो यहां पर कौन सी पहाड़ी है भैया आपकी, गारो है, यहां पर कैसी पहाड़ी आपकी, खासी है, और यहां पर कैसी पहाड़ियां हैं आपकी, जयंतियां। अब जब मानसून ऐसे प्रवेश करता है तो ये जो पहाड़ी है इनसे टकराता है, इनसे टकराता है और वापस निकलने की जगह इनको नहीं दिखाई देती है, इसलिए सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो कहां होती है भैया, खासी पहाड़ियों में होती है। इस कारण से अब दो आपके क्षेत्र हैं, एक आपका ये वाला क्षेत्र है, एक आपका ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, यानी यहां पर क्या होगी, सबसे ज्यादा बरसात होगी, और कहां होगी आपके पश्चिमी घाट में क्या होगी, सबसे ज्यादा बरसात होगी, ये दो वाले क्षेत्र है। और इन पर जो वर्षा होगी गारो खासी में, यहां लगभग 1150 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होगी, और यहां पर भी कैसी होगी, लगभग 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होगी। जबकि भारत में जो औसतन वर्षा होती है वो कितनी होती है भैया, 118 सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा जो होगी। कैसी वर्षा भैया, औसत वर्षा। अगर मैं बात करूं, यानी जो आपका एक टॉपिक है शुष्क और मरुस्थल क्षेत्र, यहां से भी आपके प्रश्न आ जाते हैं, तो ये जो आपका अरावली का क्षेत्र है ना, ये अरावली का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहां पर क्या होता है, वृष्टि छाया होने की वजह से ये सारा क्या रह जाता है आपका, मरुस्थल क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है भैया, मरुस्थल। और ये मरुस्थल क्षेत्र होने की वजह से ये क्या रह जाता है भैया, शुष्क रह जाता है, जहां पर जिसको क्या नाम दे दिया गया है, मरुस्थल। अब मरुस्थल किसको कहा जाता है भैया, मरुस्थल उसको कहा जाता है जहां पर कितनी वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा होती है। उन क्षेत्रों को मरुस्थल का नाम दिया जाता है जहां पर कितनी वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और एक जगह ऐसी है राजस्थान के जैसलमेर में, कौन सा है भैया, जैसलमेर, वहां पर कुल कितनी वर्षा होती है, 12 सेंटीमीटर ही होती है। वो कैसा है भैया, बहुत ज्यादा शुष्क क्षेत्र है। और एक क्षेत्र यहां पर कौन सा क्षेत्र है, ये आपका लेह क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है भैया, लेह। यहां पर क्या होती है, सबसे कम, यानी ये दो चीजें। और क्यों होती है, क्योंकि यहां पर ये आपका हिमालय आ जाता है, और हिमालय आते आते यहां पर क्या हो जाता है, शुष्क क्षेत्र। और ये जो जगह पड़ती है आपकी, कहां पड़ती है भैया आपकी, लेह। और लेह पड़ता है आपका लद्दाख का साउथ वाला जिला, जहां पर दो क्षेत्र कैसे रह जाते हैं, शुष्क रह जाते हैं। एक दिन जो वर्षण वाला टॉपिक होगा उसको भी हम लेके चलेंगे। जैसे इस वाले क्षेत्र में एक जो क्षेत्र है यहां पर ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन जो पश्चिमी घाट का जो वर्षण वाला पार्ट है, वर्षण छाया का, इस पर भी क्या होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। यानी इसमें कम, इसमें कम और इसमें कम, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होती है, पश्चिमी घाट में और यहां पर, क्योंकि यहां जब आपके मानसून ऐसे जाते हैं तो अपने साथ क्या लेते हैं, जल वाष्प को ग्रहण कर लेते हैं, और कहां पर ज्यादा बरसात करते हैं, यहां पर ज्यादा करते हैं। बात समझ पा रहे हो,
दूसरी बात, अब जैसे जैसे ये मानसून इधर की तरफ जाएंगे तो आपका बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा में ज़्यादा होगी, फिर उससे कम बिहार में होगी, उससे कम उत्तर प्रदेश में, उससे कम आपका क्या होगी, आपका दिल्ली, और यहाँ ये जो आपका हिमाचल और हरियाणा वाला क्षेत्र है, इधर को जो बरसात होती वो यानी पूर्व से पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा क्या होती चली जाएगी भैया, कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो इन्होंने आर्द्रता अपने साथ ग्रहण करी थी वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि यहां जैसे जैसे टकराएंगे इन पहाड़ियों से बरसात होती चली जाएगी, और क्या होगा, हमारा जो ज्यादा बरसात होगी वो इस वाले क्षेत्र में होगी, और जैसे इधर घुसेंगे यहां ज्यादा होगी। तो आपका जो मरुस्थल वाला टॉपिक है वो किसके कारण रह गया, यानी इधर अरावली की पहाड़ियों की वजह से रह गया, और ये वाला जो रह गया ये हिमालय की वजह से रह गया, और इन पर क्या होती है, ज्यादा बरसात होती है। तो आपका मरुस्थल वाला टॉपिक हो गया, आपका कौन सा हो गया, शुष्क क्षेत्र वाला टॉपिक हो गया, वर्षण वाला टॉपिक हो गया। भारत में जो औसतन वर्षा है वो कितनी है, 118 सेंटीमीटर हो गई, और गारो खासी जयंतिया में ज्यादा हो गई, जो 1150 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है। कारण क्या है, क्योंकि ये मेघालय का पठार है, इनकी आकृति पहाड़ियों की ऐसी है, ये पहाड़ी और ये, जब मानसून यहां से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश तो कर जाएंगे लेकिन बाहर निकलने का मौका नहीं लगेगा, और छत पर जो रहती है वो खासी पहाड़ी रहती है। इसके मानिसराम में, इसका जो मानिसराम क्षेत्र है वहां पर क्या होती है, सबसे ज्यादा बरसात होती है, और सबसे कम कहां होती है भैया, लेह में होती है। सबसे कम कहां होती है, लेह, और लेह मतलब लद्दाख, और मरुस्थल वाले क्षेत्र में कहां होती है, जैसलमेर में, कुल 12 सेंटीमीटर बरसात होती है। वैसे एक दिन क्या करेंगे, जो वर्षण वाला क्षेत्र है उस वर्षण वाले क्षेत्र को कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या काम करा, मानसून की उत्पत्ति को देख लिया, उत्पत्ति के बाद हमने मानसून के प्रकार को देख लिया, मानसून का भारत में कैसे कैसे प्रवेश होता है उसको देख लिया। अब हम जो अगला जो टॉपिक होगा हमारा किससे रिलेटेड होगा, वर्षण से। हालांकि अभी एक आपका लौटता हुआ मानसून है, एक पूर्वा मानसून है, और एक क्या है आपका, कौन सा मानसून है, यानी पहले पूर्वा मानसून, यानी इससे पहले जो आपका मार्च में आता है ये जून वाला हो गया, और आपका एक कौन सा होगा, आपका निवर्तन मानसून होगा लौटता हुआ, और एक का होगा पश्चिमी विक्षोभ। तो एक क्लास में हम उनको और कवर कर लेंगे। तो अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आप यहां से कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम पूर्वा मानसून और ये मानसून, इनके बारे में जो वर्षण की प्रक्रिया है उसको समझेंगे। तो आपके लिए अंत में जाते हुए क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अंत में जाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।